हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवी मंडी टास्कर्स। तो आज के इस वीडियो में आपके सामने क्रिसमस डेकोरेशन का आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के डेकोरेशन में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो मोस्टली चीज़ें DIY हैं। मैंने थोड़ी टाइम पहले इसका एक वीडियो शेयर किया था कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को बनाया है। तो आज बारी है उन्हीं सब चीज़ों को किस तरीके से डेकोरेशन में मैं यूज़ करने वाली हूँ, वही सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को इन्जॉय करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है और इससे आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिलेगा। ये जो फेरी हाउस आप देख रहे हैं ये भी एक DIY है। मैंने वाइन की बॉटल का यूज़ करके इसे बनाया है। और ये जो क्रिसमस ट्री है इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था कि इसे मैंने कैसे कैसे बनाया है। और ये जो वुडन की क्रिसमस ट्री है ये मैंने पहले से मेरे पास अवेलेबल था, तो उसे भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। इसे वुडन की जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की है वो सब पहले से अवेलेबल थी मेरे घर में, बस इन्हें मैंने पेंट वगैरह करके थोड़ा नया सा बना लिया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को रख के मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं टेबल कैलेंडर, इस पर भी मैंने एक प्रिंटआउट निकलवा के इस पर स्टिक कर लिया है। और ये सारे छोटे छोटे से जो भी आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री, वो सब भी मैंने यार्न की हेल्प से बनाया है। जो भी DIY मैंने इस डेकोरेशन में यूज़ किया है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि वो सब चीज़ें मैंने कैसे बनाई हैं। अब बारी है यहाँ पे एक छोटे से क्रिसमस ट्री को प्लेस करने की। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री मैंने प्लेस कर दिया है और उसके नीचे मैंने ये छोटे छोटे से गिफ्ट बनाए थे, फेक गिफ्ट, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो निकनैक यानी कि छोटी मोटी चीज़ों से ही मैंने अपने डेकोरेशन को किया है। सारी चीज़ें घर में अवेलेबल पहले से ही थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुछ चीज़ें DIY थी। तो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हो गई थी मेरी इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से घर में खुद से ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और इस क्रिसमस में सारी चीज़ों को सजा सकते हैं। तो अभी ये स्टोन देख रहे हैं ये भी मैंने पेंटिंग की थी, इसका वीडियो भी मैंने जल्द ही डाला था, तो आप जाके ज़रूर उसे चेक करिएगा। विदाउट सेंटा क्रिसमस इनकम्प्लीट लगता है, तो ये भी एक स्टोन पेंटिंग है जिसे मैंने सेंटा की तरह बनाया था स्टोन को, और ये काफ़ी सुंदर बन के आया था और एकदम रियल सेंटा लग रहे थे। इसको लगाने के बाद तो डेकोरेशन और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो इस तरीके से अगर आप स्टोन पेंटिंग करने में इंटरेस्टेड है और आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने घर में आसपास जो भी स्टोन्स वगैरह है उसे ला के खुद से भी आप क्रिएटिव कर सकते हैं, उसे पेंट करके आप उसको डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं इस फ्रेम में भी मैंने एक प्रिंट आउट निकलवा के उसे यहाँ पे फ्रेम कर लिया है। तो ये छोटा सा मैरी क्रिसमस का एक फ्रेम तैयार हो गया है और उसे भी मैंने यहाँ पे वॉल पे हैंग कर दिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसके बाद बारी आती है लाइट वगैरह लगाने की। तो लाइट लगाने के बाद जो भी डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस तरीके से मेरा जो ये क्रिसमस का डेकोरेशन है वो कम्प्लीट हो गया था और बहुत सुंदर ये निकल के आया था डेकोरेशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये थी लाइट ऑफ करने के बाद की डेकोरेशन, बहुत सुंदर लग रहा था। ये कॉर्नर
क्रिसमस का पूरा वाइब दे रहा था, और जो डेकोरेशन थी वो लाइट को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में अपने डेकोरेशन क्रिसमस पे कर सकते हैं, और मेरे आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको आइडिया ज़रूर मिला होगा, क्योंकि मेरी मोस्टली चीज़ें DIY है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ज़रूरी नहीं है आप चीज़ों को बाहर से ही परचेज़ करें, उसके बाद ही आप डेकोरेट करें, आप खुद से भी घर में DIY करके इस क्रिसमस पे अपनी चीज़ों को, अपने डेकोरेशन को कर सकती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हुए ऐसे और भी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।